Welcome dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर एक सेफ्टी फील्ड के लोगों के लिए आवश्यक होता है. ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसी शब्दावली प्रयोग की जाती है जिसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे. ये क्लास डायनेमिक मॉड्यूल में है. वे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या कोर्स कहीं से कर चुके हैं फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी का अभाव है, तो ये क्लासेस जो है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा. ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, वजह क्या है, इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ. डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एडमिशन के जो इस समय ओपन है, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए स्पेशल ऑफर है, कोर्स ऑफर है, जिसकी जानकारी आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा एक कोर्स है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की बात करें या फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, 100% जॉब प्लेसमेंट कोर्सेज हैं. यानी इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज 100% बनी रहती है. हिंदी और इंग्लिश में ट्रेनिंग का माध्यम होता है. अब चलते हैं, उन बातों को जानते हैं, उन मकसद को समझते हैं, उन व्यूज को समझते हैं जिसके लिए हर एक सेफ्टी फील्ड का व्यक्ति वो जानना चाहता है. आपके पास एक पहला जो लाइन है वो आया हुआ है, इंजुरी को कहा जा सकता है. अब जरा सोचिए, इंजुरी को आप क्या कह सकते हैं, इंजुरी को आप क्या कह सकते हैं. इसके लिए आपके पास मैं चार ऑप्शन दूंगा. अब इस चार ऑप्शन में से इंजुरी के लिए जो सटीक होगा वो आपको बताना है, क्योंकि इस चार ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन कुछ ना कुछ मिलता जुलता है. चार ऑप्शन है आपके पास, रिस्क है, हजार्ड है, परिणाम है और एक्सीडेंट है. तो इंजुरी को क्या कह सकते हैं आप, रिस्क कह सकते हैं, सोचिए, हजार्ड को क्या इंजुरी को हजार्ड कह सकते हैं, क्या इंजुरी को परिणाम कह सकते हैं, क्या इंजुरी को एक्सीडेंट कह सकते हैं. चार ऑप्शन है. अब इंजुरी शब्द जैसे आता है सर, रिस्क, हजार्ड, एक्सीडेंट, ये तमाम बातों को हम लोगों ने पढ़ा है और आप स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन यहां भी जो 100% जो जवाब होगा उसे हम सही मानेंगे. तो आपने चार ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा आंसर सही है. चलिए चेक करते हैं कि आपने जो आंसर सेलेक्ट किया है वो कितना सही है. एक एक करके मैं 12 क्वेश्चन आपसे करूंगा और 12 क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दिया और हर जवाब सही निकला तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी तैयारी है और आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर जरूर बनेंगे. इसका जवाब होता है ग, यानी इंजुरी को कहा जा सकता है परिणाम. यदि आपने परिणाम को सेलेक्ट किया, ट्रिक किया, तो आपका यह जवाब बिल्कुल 100% सही है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है, रिस्क को कहा जा सकता है, रिस्क को कहा जा सकता है, रिस्क को क्या कह सकते हैं. चलिए आपको ऑप्शन देता हूं, मैं चार ऑप्शन में दूंगा आपको. पहला ऑप्शन आपका हजार्ड है, दूसरा इंसिडेंट, तीसरा परिणाम और चौथा संभावना. चार ऑप्शन आपके पास हैं, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है. क्या रिस्क को आप हजार्ड कहेंगे, इंसिडेंट कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं या संभावना कह सकते हैं. चार ऑप्शन में से जो सही जवाब होगा आप चेक कर लीजिए. आई होप कि आप टिक कर चुके होंगे, सोच चुके होंगे. अब चलिए चेक करते हैं आपका जवाब कितना सही है. यदि आपने संभावना को सोचा था कि रिस्क को हम एक संभावना कह सकते हैं, तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. बीमारी की अनुपस्थिति को कहा जाता है, बीमारी को अनुपस्थिति को आप क्या कह सकते हैं. एक शब्द है बीमारी की अनुपस्थिति, यानी शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उसे आप क्या कहेंगे. चार ऑप्शन में देता हूं आपको, हेल्थ, परिणाम, गतिविधि, संभावना. क्या कहेंगे, बीमारी का न होना आप क्या कह सकते हैं. चार ऑप्शन आपके पास हैं, हेल्थ है, परिणाम है, गतिविधि है, संभावना है. आपने सोच भी लिया होगा कि कौन सा जवाब सही है. अब इस जवाब को चेक करेंगे, आपका जवाब कितना सही है आप भी चेक करते चलिए. लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा. इसका आंसर होता है, सही जवाब होता है क, अर्थात बीमारी की अनुपस्थिति को हेल्थ कहा जाता है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, रेडिएशन का वास्तविक अर्थ है, रेडिएशन का वास्तविक अर्थ है, रेडिएशन को का मीनिंग जो है क्या है.
आप क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रेडिएशन, तो उसके लिए चार ऑप्शन आपके पास है, पहला खतरा, दूसरा हजार्ड, तीसरा परिणाम और चौथा प्रसार। सही जवाब क्या होगा आपने सोच लिया? खतरा, रेडिएशन के लिए अगर आपने खतरा सोचा हो, हजार्ड सोचा हो, परिणाम सोचा हो, प्रसार सोचा हो, चेक करिए कितना आंसर आपका सही है और कितना आपको और सुधार की आवश्यकता है। तो सही जवाब इसका होगा घ अर्थात प्रसार। रेडिएशन का वास्तविक अर्थ प्रसार होता है, अर्थात ये एक जगह से दूसरे जगह तक फैलने का काम करता है, फैलना भी कह सकते हैं, प्रसार भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजार्ड रिस्क में कब बदल जाता है? हजार्ड रिस्क में कब बदल जाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है संपर्क, दूसरा ऑप्शन है अनसेफ, तीसरा ऑप्शन है नियर मिस और चौथा ऑप्शन है लापरवाही। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है इसमें से जब हजार्ड रिस्क में बदल जाएगा? संपर्क है, अनसेफ है, नियर मिस है, लापरवाही है, क्या है जो बदल जाएगा? सही जवाब क्या है अब तक आप सोच चुके होंगे, चलिए चेक करिए कि आपका सही जवाब कितना सही है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा क, यानी हजार्ड उस समय रिस्क में बदल जाता है जब वह किसी के साथ वो इंटरेक्ट होता है, संपर्क में आता है। अनसेफ गलत आंसर था, नियर मिस गलत आंसर है, लापरवाही भी गलत आंसर है, यानी यहां पे संपर्क शब्द जो है 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इंजुरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंजुरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपको चार ऑप्शन देता हूं, चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है जीव, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव, तीसरा ऑप्शन है मशीन, चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो इंजुरी शब्द किसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे? जीव के लिए करेंगे, निर्जीव के लिए करेंगे, मशीन के लिए करेंगे या मनुष्य के लिए करेंगे? तो ये ऑप्शन है, इसमें आपने क्या सोचा है वो उसको चेक करिए, आपका जवाब कितना सही होता है उसको जानिए, समझिए, परखिए। डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन आपके आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाएगा, आपको और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बेहतर करेगा कि आप 100% जवाब सही दे सकें। जब तक आपका बुलेट आंसर नहीं होगा, जब तक आपका एक्यूरेंसी, जवाब की एक्यूरेंसी नहीं बढ़ेगी, तब तक हमें मेहनत करते रहना होगा। जब आप चेक करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होता है, तो इसका सही जवाब होता है जीव। यदि आपने जीव को सोचा था तो निश्चित रूप से आपका जो समझ है, आपका जो जवाब है वो बहुत ही अच्छा है। तो इंजुरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है जीव के लिए। अब आप कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मनुष्य जीव के अंदर ही समाहित है। यदि हम जीव शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मनुष्य भी आ जाएगा। इंजुरी शब्द कभी भी निर्जीव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और मशीन शब्द तो निर्जीव है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू के क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंजुरी शब्द क्या मशीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इंजुरी शब्द का मशीन का भी तो नुकसान हुआ है, मशीन का भी तो उसका डैमेज हुआ है, तो क्या डैमेज के जगह पे आप इंजुरी कह सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं कर सकते। इंजुरी शब्द केवल जीव के लिए प्रयोग होगा, लिविंग पर्सन के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। आई होप कि इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन, रिस्क असेसमेंट कितने चरणों में पूरा होता है? रिस्क असेसमेंट कितने चरणों में पूरा होता है? चार ऑप्शन आपके पास है, ये चार ऑप्शन है, रिस्क असेसमेंट 5 चरणों में पूरा होगा, 4 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा। अब तक आपने जवाब सोच लिया होगा कि इसका कौन सा आंसर सही है, क सही है, ख सही है, ग सही है, घ सही है। सही आंसर देखेंगे, सही आंसर देखेंगे क, यानी रिस्क असेसमेंट की जो बात की जाए तो मिनिमम इसके लिए 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स होते ही होते हैं, यानी यूं कहिए कि 5 स्टेप में आपका एक स्टैंडर्ड जो है रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर कौन सा सही था? क सही था, यह जवाब आपका था। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क और हजार्ड में अंतर है? अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिस्क और हजार्ड में अंतर है। आप चार ऑप्शन में आपको देता हूं, पहला ऑप्शन हां, रिस्क और हजार्ड में अंतर है, दूसरा ऑप्शन नहीं, रिस्क और हजार्ड में अंतर नहीं है, तीसरा ऑप्शन है रिस्क और हजार्ड में अंतर है, दोनों एक ही है, और घ जवाब होता है थोड़ा अंतर है। अब तक आप समझ गए होंगे कि रिस्क और हजार्ड में अंतर है या नहीं, इसका जवाब क्या देना होगा। तो आपका सही जवाब जो आपने सोचा है, चेक करेंगे वह जवाब कितना सही है। तो
तो इसका सही जवाब होता है क, रिस्क और हजार्ड में अंतर है। यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि रिस्क और हजार्ड में अंतर नहीं है, इसका मतलब तो रिस्क भी एक ही है हजार्ड भी एक है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक है कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इससे ये पता चलता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया है। रिस्क और हजार्ड में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है सर, बहुत अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी बेहतर बनाएंगे। तो यह बहुत सीधा स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर है, रिस्क और हजार्ड में अंतर है। ठीक है, तो अंतर की बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल जवाब होगा क शब्द सही है, यानी इसका जो ऑप्शन क है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। आईएलओ कहां की संस्था है, आईएलओ कहां की संस्था है? अब इसमें चार ऑप्शन मैं आपको देता हूं, यूके की संस्था है, जापान की है, फ्रांस की है, रूस की है। तो आईएलओ शब्द आपने अक्सर सुना होगा, तो आईएलओ कहां की संस्था है? तो अगर आपने यूके सेलेक्ट किया, जापान सेलेक्ट किया, फ्रांस सेलेक्ट किया या रूस, तो आपको आपका आंसर कितना सही है इसको आप खुद चेक कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो चलिए चेक करते हैं कि आपने कितना सही जवाब दिया है। इसका आंसर होगा क, आईएलओ यूके की संस्था है और यह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्थान जो लेबर एक्ट को, लेबर को या फिर जो है इस तरह की जो मजदूरी से संबंधित है या लेबर से संबंधित है उसको गवर्न करती है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका रहा सही, कह रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फायर में कितने घटक होते हैं, फायर में कितने घटक होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास है, अब इन चार ऑप्शन में से आप चेक करेंगे कि आपका सही जवाब कौन सा है। तो चार ऑप्शन होते हैं, फायर में कितने घटक होते हैं? पहला जो ऑप्शन है क 3, ख 4, ग 5 और लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपका 6। तो फायर में कितने घटक होते हैं, कितने घटक हैं? तो इसका जवाब आपने सोच लिया होगा, जो सही आंसर है अब इसे चेक करेंगे कि यह आंसर कितना सही है। तो इसका आंसर सही है क, अर्थात फायर में 3 घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं कौन कौन से? 3 घटक जो फायर ट्रायंगल आपने पढ़ा, या ऑक्सीजन की बात किया आपने, फ्यूल की बात किया, ठीक है, आपने ये जो 3 एलिमेंट्स की आप बात करते हैं जो फायर ट्रायंगल में, वही 3 घटक हैं और उसी का ये क्वेश्चन है कि फायर में कितने घटक होते हैं। तो फायर में 3 घटक होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, 3 घटक 3 नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फायर रिस्क असेसमेंट क्या है, फायर रिस्क असेसमेंट क्या है? अभी तक आपने रिस्क असेसमेंट देखा था, अब आ गया आपके पास फायर रिस्क असेसमेंट। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है कि फायर रिस्क असेसमेंट एक विधि है, दूसरा ऑप्शन कहता है फायर रिस्क असेसमेंट एक पेपर वर्क है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि फायर रिस्क असेसमेंट एक रिस्क कंट्रोल है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि फायर कंट्रोल है। अब कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है? सब कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वह जानना है जो बिल्कुल 100% हमारे सेफ्टी फील्ड में वह सही है और सही माना जाता है। तो हमें वह आंसर खोजना है, वह जवाब देखना है। तो अगर आपने फायर रिस्क असेसमेंट क कहा, ख कहा, ग कहा, घ कहा, तो देखिए आपका आंसर सही है। कौन सा सही है आप खुद चेक करिए। इसका आंसर सही होता है क, एक विधि है। फायर रिस्क असेसमेंट क्या है? एक विधि है। अब एक क्वेश्चन होगा कि अगर किसी ने पेपर वर्क कर दिया, सर हमने तो पढ़ा है कि फायर रिस्क असेसमेंट पेपर है, पेपर वर्क है। जी हाँ, पेपर वर्क है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन कह रहा है कि फायर रिस्क असेसमेंट क्या है, जब विधि है तो विधि कहीं ना कहीं अप्लाई होगी, तो वह मेथड अप्लाई हो रही है। कहां अप्लाई हो रही है? आप पेपर वर्क कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेमोराइज के लिए कर रहे हैं, आप मिस्टेक ना कर लें इसलिए पेपर वर्क कर रहे हैं। तो केवल फायर रिस्क असेसमेंट को यदि हम पेपर वर्क कह दें तो बिल्कुल गलत होगा, फायर रिस्क असेसमेंट को रिस्क कंट्रोल कह दें यह भी बिल्कुल गलत होगा, फायर रिस्क असेसमेंट को फायर कंट्रोल कहें क्योंकि यह कंट्रोल मेजर तो है नहीं, तो यह भी बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि फायर रिस्क असेसमेंट क्या है, एक मेथड है, एक विधि है, और इस विधि के बाद ही पेपर वर्क शुरू होता है, तो पेपर वर्क तो आपका सही नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही राइट आंसर क्या है कि एक विधि है। अगर यही फायर की जगह पर रिस्क असेसमेंट होता तो भी एक विधि, वह एक मेथड है, एक विधि है। आई होप कि इनके अंतर को आप समझ पा रहे होंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर जो रहे आपके लिए रहे, आप इसे देख करके आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए आपको और क्या करना है और आपकी तैयारी कितनी है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।